हेलो फ्रेंड, तो पिछली वीडियो में हमने आर्टेरियल सप्लाई ऑफ फेस पढ़ा था। अब हम वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तो एक एरिया होता है डेंजरस एरिया ऑफ फेस, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है। डेंजरस एरिया ऑफ फेस क्यों डेंजरस एरिया? ये जो ये है, ये देखो, ये अपर लिप, नोज का नेजल सेप्टम, ये वाला एरिया, ये फिल्ट्रम, फिल्ट्रम ऑफ अपर लिप नेजल सेप्टम, ये वाला एरिया है इज द डेंजरस एरिया ऑफ। क्यों डेंजरस एरिया है? पहले हम वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया वो तो सीधा कैवर्नस साइनस, ये कैवर्नस साइनस, यहाँ पे इन्फेक्शन होगा वो सीधा कैवर्नस साइनस में चला जाएगा। कैवर्नस साइनस इज इम्पोर्टेंट साइनस इन द ब्रेन। अगर ये इन्फेक्शन इसमें चला गया तो इसे एम्बोलिज्म हो जाएगा, ब्लड की कोगुलेशन हो जाएगी और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, तो ये भी वेरी डेंजरस एरिया। तो डेंजरस एरिया में क्या क्या आते हैं? अपर लिप, फिल्ट्रम ऑफ अपर लिप, टिप ऑफ नेजल सेप्टम और एनाल, दीज आर द पार्ट्स ऑफ डेंजरस एरिया ऑफ फेस। तो सबसे पहले जो वीनस ड्रेनेज है फेस की, इट इज बाय फेशियल वेन और रेट्रोवेंट्रिकुलर वेन। सबसे पहले बात करेंगे फेशियल वेन की। फेशियल वेन स्टार्ट होती है, इट इज फॉर्म बाय सुप्रा ट्रोपियर और सुप्रा ऑर्बिटल, ये दो है, सुप्रा ट्रोपियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये दोनों वेन आपस में ज्वाइन करके फेशियल वेन की फॉर्मेशन कर देंगे एट द मीडियल एंगल ऑफ आई। इस मीडियल एंगल पे फेशियल आर्टरी का टर्मिनेशन हो रहा था और मीडियल एंगल पे फेशियल वेन की फॉर्मेशन हो रही है, किससे? सुप्रा ट्रोपियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन के ज्वाइन होने से। ये सुप्रा ट्रोपियर सुप्रा ऑर्बिटल फोर एंड और वर्टेक्स ऑफ स्कल से वेन वीनस ब्लड का ड्रेनेज कर एट मीडियल एंगल ऑफ आई। सुप्राट्रोपियर सुप्राऑर्बिटल वेन ज्वाइन टू फॉर्म फेशियल वेन, देन इट रन बिहाइंड फेशियल आर्टरी, देन इट रन बिहाइंड फेशियल आर्टरी इन द डिसेंड इन द फेस बिहाइंड फेशियल आर्टरी एट द रेमस ऑफ मैंडिबल, इट एंटर इन टू द इट पियर्स द डीप फेशिया ऑफ नेक और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया ऑफ नेक, देन इट रन एंड ज्वाइन डीप फेशिया ऑफ नेक, देन इट ज्वाइन बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडुलर वेन। ये है रेट्रोमैंडुलर वेन। तो रेट्रोमेंडिकुलर वेन दो में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन ज्वाइन विद द फेशियल वेन टू फॉर्म कॉमन फेशियल वेन एंड इट ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। तो द फेशियल वेन है अल्टीमेटली किसमें ड्रेन कर रही है? इंटरनल जुगुलर वेन। फॉर्मेशन कैसे होगी? सुप्राट्रोपियर सुप्राऑर्बिटल वेन ज्वाइन टू फॉर्म फेशियल वेन, देन इट डिसेंड इन द फेस बिहाइंड फेशियल आर्टरी एंड इट ज्वाइन इन द नेक बाय एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडुलर वेन टू फॉर्म कॉमन फेशियल वेन एंड टर्मिनेट इन टू द इंटरनल जुगुलर वेन। इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी इज बाय जैसे लेटरल नेजल आर्टरी है, तो इसी की एक वेन होगी, ये इसमें ड्रेन करेगी लेटरल नेजल वेन। सुपीरियर लेबियल वेन, इंफीरियर लेबियल वेन और सबमेंटल वेन। तो लेटरल नेजल ट्रिब्यूटरी होगी, सुपीरियर लेबियल ट्रिब्यूटरी होगी, इंफीरियर लेबियल ट्रिब्यूटरी होगी और सबमेंटल वेन ट्रिब्यूटरी होगी। दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ फेशियल वेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ फेशियल वेन और कहाँ पे ड्रेन कर लास्ट जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडुलर वेन, देन ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन।
अब इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं। दूसरी आइडिया क्या है फेशियल वेंट की, कॉम्प्लिकेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कॉम्प्लिकेशन इसका जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस ब्रेन के अंदर है, ब्रेन का जो ब्लड वीनस, वहाँ पे वीनस वेन नहीं होती, वहाँ पे साइनस होते हैं वेन। तो वीनस जो ब्रेन का जो वीनस सिस्टम है उसके साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन है। ये जो वेन है जिससे कॉम्प्लिकेट कर रही है, सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन। सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन ज्वाइंट्स का फेशियल वेन टू द कैवर्नस साइनस। ये कैवर्नस साइनस को ज्वाइन करा रहे हैं सुपीरियर। कैसे, ये सुप्राट्रोकियल है, सुप्राट्रोकियल से ऑप्थैल्मिक, सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन ज्वाइन कर रही है। वो किस में ड्रेन कर रही है, कैवर्नस साइनस में। अल्टीमेटली क्या हुआ, फेशियल वेन कनेक्टेड विद द कैवर्नस साइनस थ्रू सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन। दूसरा कनेक्शन क्या है, ये है डीप फेशियल वेन। डीप फेशियल वेन ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है फेशियल वेन की। डीप फेशियल वेन, डीप फेशियल वेन क्या कर रही है, फेशियल वेन को पहले टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से कनेक्ट करती है। टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस यहाँ पे होता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के अंदर। टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस कैवर्नस साइनस से कनेक्टेड है थ्रू एमएस थ्रू बाय एमएसरी वेन। ये एमएसरी वेन है, तो कैसे कैसे, पहले फेशियल वेन डी फेशियल वेन से कनेक्टेड है। डी फेशियल वेन किससे कनेक्टेड है, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से। टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस किससे कनेक्टेड है, कैवर्नस साइनस से थ्रू एमएसरी वेन। तो स्कल के बेस में जो फोरामिना होते हैं उनसे पास करती है एमएसरी वेन। और ये जो वेन है डी फेशियल वेन, ये ड्रेनिंग द एरिया वाला एरिया, बेंजस एरिया ऑफ फेस, जो मैंने तुम्हें बताया था बेंजस एरिया ऑफ फेस। क्या क्या आता है, फ्रंट्रम आ गया, नेजल सेप्टम आ गया और अपर लिप आ गया। ये वाला एरिया इट इज ड्रेन बाय डी फेशियल वेन। और इस यही डी फेशियल वेन इस वेन का ब्लड लेके कहा जाती है। ये कहाँ से कनेक्टेड है, आगे तो ये इसमें यहाँ से जो ब्लड लिया वीनस ब्लड वो किस में ड्रेन कर दिया, फेशियल वेन में। और यहीं से ये कनेक्टेड है पोस्टीरियरली टू द टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से। और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस किससे कनेक्टेड है, कैवर्नस साइनस से थ्रू एमएसवी वेन। तो कैवर्नस साइनस फेशियल वेन से दो तरीके से कनेक्टेड है, टू वे से। फर्स्ट वे इज बाय सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन। सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन कनेक्टिंग द फेशियल वेन टू द कैवर्नस साइनस थ्रू सुप्रा ऑर्बिटल फिशर। और फेशियल वेन कनेक्टेड विद द टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस कनेक्टेड विद द कैवर्नस साइनस थ्रू एमएसरी वेन। तो इन्फेक्शन यहाँ से ज़्यादातर आप नाक में उंगली दिखते रहते हैं, तो नाक में उंगली इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि नाक यहीं पे, ये डेंजरस एरिया है। तो कोई भी इन्फेक्शन यहाँ से हमारे नाक खून से या मुँह से फैल के कहाँ चला जाएगा, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस में। और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस से कहाँ चला जाएगा, कैवर्नस साइनस। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डेंजरस एरिया ऑफ फेस। उसके बाद और इसका कनेक्टेड है, और इससे कनेक्शन है फ्रंटल वेन कनेक्टेड विद द फ्रंटल साइनस। ये फ्रंटल साइनस से भी कनेक्टेड थ्रू डिप्लोई, डिप्लोई वेन के थ्रू। और फ्रंटल साइनस, ये फ्रंटल साइनस इसके सुप्रा ऑर्बिटल जो वेन है वो फ्रंटल साइनस को ड्रेन करती है। और ये फ्रंटल साइनस ड्रेन के सुपीरियर सेजाइटल साइनस के थ्रू कनेक्टेड है बाय डिप्लोई वेन। तो इन्फेक्शन सुपीरियर ऑर्बिटल, सुपीरियर सेजाइटल साइनस में भी फैल सकता है थ्रू फ्रंटल साइनस। तो यह जो रेट्रोमेंडुलर वेन है, नेक्स्ट है रेट्रोमेंडुलर वेन। अभी रेट्रोमेंडुलर वेन कैसे बनी, ये कौन सी आर्टरी बेसिक था, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो इसी के एक वेनस वेनस होगा सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन ज्वाइन विद द मैक्सिलरी वेन टू फॉर्म रेट्रोमेंडुलर वेन इन द सबस्टांस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के सबस्टांस में तीन होते हैं, फेशियल, फेशियल नर्व होगी, रेट्रोमेंडुलर वेन होगी और आर्टरी, आर्टेरियल सिस्टम, तीन होते हैं। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन ज्वाइन बाय मैक्सिलरी वेन टू फॉर्म रेट्रोमेंडुलर वेन। रेट्रोमेंडुलर वेन दो में डिवाइड करके
एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन किसके साथ ज्वाइन करेगी? कॉमन फेशियल वेन के साथ। उसने क्या बना दिया? नहीं, फेशियल वेन के साथ उसने क्या बना दिया? कॉमन फेशियल वेन। और वो किस में ड्रेन होगी? इंटरनल जुगुलर वेन। तो पोस्टीरियर डिवीजन है पोस्टीरियर ओरिकुलर वेन, पोस्टीरियर ओरिकुलर वेन के साथ ज्वाइन करके इसने क्या बना दिया? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और ये किस में ड्रेन करेगी? ड्रेन इंगुलर सबक्लेविन वेन। ये सबक्लेविन वेन में ड्रेन कर रहे हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन ड्रेन इंगुलर सबक्लेविन वेन। तो रेट्रोमेडुलर वेन और फेशियल वेन, दीज आर द वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस। फेशियल वेन कहाँ से स्टार्ट होती है? मीडियल एंगल से, एंड कहाँ करती है? नेक में, इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। क्या क्या ट्रिब्यूटरी हैं? लेटरल नेजल वेन, सुपीरियर लेबियल वेन, इंफीरियर लेबियल वेन, सबेंटल वेन, डीप फेशियल वेन, दीज आर द ट्रिब्यूटरी। इसके कॉम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कॉम्युनिकेशन है? एक सुपीरियर कॉम्युनिकेशन है, इंफीरियर कॉम्युनिकेशन। सुपीरियर कॉम्युनिकेशन बाय सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन टू द कैवर्नस साइनस। इंफीरियर बाय डीप फेशियल वेन टू द टेरिगॉइड वीनस फ्लेक्सर। टेरिगॉइड वीनस फ्लेक्सर कनेक्टेड टू द कैवर्नस साइनस थ्रू एमएसवी वेन। और ये डीप फेशियल वेन ड्रेनिंग टू द डेंजरस एरिया ऑफ फेस। तो इन्फेक्शन फेस का कहा जा सकता है? कैवर्नस साइनस में। कैसे जाएगा? पहले फेशियल वेन में आएगा, फिर डीप फेशियल वेन में आएगा, फिर टेरिगॉइड वीनस साइनस में आएगा, उसके बाद कहा चला जाएगा? कैवर्नस साइनस। और रेट्रोमेडुलर वेन ये मैंने आपको बताया गया, दो डिवीजन एंटीरियर एंटीरियर डिवीजन करता है फेशियल वेन के साथ ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन फेशियल वेन। पोस्टीरियर डिवीजन करता है पोस्टीरियर ऑर्बिकुलर वेन के साथ टू फॉर्म एक्सटर्नल जुगुलर वेन। थैंक यू।